स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नेम सिंपल इक्वेशंस। सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक अलग अलग केस लिए ए टू जी। तो पहला केस है कि ऐड 4 टू 8 टाइम ऑफ द नंबर यू गेट 60। और अगर देखो ये सिंपल आपको पूछना ये चाहता है कि ये जो है ना ए जो आपको दिया है सेंटेंस, वो सेंटेंस को आप पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट करो और ऊपर लिखा है देखो सॉल्व देम एंड फाइंड द अननोन नंबर, और ये इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बनाने के बाद क्या करो आप उसको सॉल्व करके वो नंबर फाइंड करो। तो देखो क्या दिया है, ऐड फोर। हमने क्या बोला कि जो जो आप पढ़ते जाओ वो करते जाना, ऐड फोर। तो ऐड मीन्स प्लस, ऐड फोर तो प्लस के बाद में फोर। फिर क्या बोला है, एट टाइम्स ऑफ द नंबर। तो नंबर पता नहीं क्या है, जो चीज को हमको फाइंड करना है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, उसका कितने टाइम्स, एट टाइम्स। तो एट एक्स प्लस फोर, उसका आंसर दिया हुआ है कितना 60, उसका आंसर दिया है कितना 60। बस अब हम जैसे प्रोसेस करते थे वो कर रहे हैं, हम पहले 4 को रिमूव करना पड़ेगा। तो LHS और RHS दोनों के साइड क्या करो, 4 सब्सट्रैक्ट करो, क्या करो 4 सब्सट्रैक्ट करो। तो ये 4 कैंसल, तो 8x इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पे 8 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर में और अपर साइड दोनों साइड भी से क्या करो 8 से डिवाइड करो। तो 8x को भी 8 से डिवाइड करो और 56 को भी 8 से डिवाइड करो। तो ये 8 कैंसल, तो x इज इक्वल टू 56/8, तो 8 7 56, तो x इज इक्वल टू 7। क्या आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 7। वैसे एक दूसरा क्वेश्चन देख लो कि 1/5 ऑफ द नंबर माइनस 4 गिव्स 3। 1/5 ऑफ द नंबर माइनस 4, तो हमारी प्रोसेस जैसे करते थे वैसे, माइनस 4, तो पहले माइनस 4 कर दिया। फिर उसके बाद में आपको पहले बोला है कि 1/5 ऑफ द नंबर, तो नंबर हमको पता नहीं है, हमको फाइंड करना है। तो मान लेंगे कि उसको क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे उसको x, तो x x का क्या 1/5, तो 1/5 क्या लिखा है 1/5 ऑफ द नंबर, तो x बाय 5 माइनस 4, तो माइनस 4 गिव्स मीन्स आंसर क्या आता है आपका 3 आता है। बस ये हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करना पड़ेगा, ये 4 को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड पे क्या करो, 4 को ऐड करो और 4 को यहाँ पे भी ऐड करो। तो ये 4 कैंसल, तो x बाय 5 इज इक्वल टू 7 आ गया आंसर। अब यहाँ पे भी 5 डिवाइड मीन्स डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो क्या करो, दोनों साइड 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 x बाय 5 और यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो 5 कैंसल, तो x इज इक्वल टू 75। क्या आ जाएगा आपका आंसर, x का 35, ये 75 का कितना होता है 35, तो आंसर क्या आ जाएगा x का 35। फिर से क्या बोला था आपको, 1/5 ऑफ द नंबर, तो x बाय 5 में से 4 को माइनस करो, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 3, दोनों साइड 4 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी 4 ऐड किया, यहाँ पे भी 4 ऐड किया, तो 3 और 4 क्या आ जाएगा 7, और x और x डिवाइडेड बाय 5, तो x बाय 5 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करो, तो जो फाइनल आपका जो आंसर आता है x का वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 35। ओके, अब देखो दूसरे एग्जांपल आपको दिए है सी डी ई एफ एंड जी। तो उसमें से मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ और आप अपने हिसाब से कर लेना, मीन्स ये थिंक नंबर वाले है ना वो आप मैं करवा देता हूँ, इसका तो ओरली मैं आपको बता देता हूँ। वैन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम द ट्वाइस नंबर इट रिजल्ट वॉज 15। देखो क्या बोला है, वैन आई 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 को सब्सट्रैक्ट किया, मीन्स आई को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वैन आई सब्सट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर एंड रिजल्ट 15। मीन्स अगर आप 11 को सब्सट्रैक्ट करोगे ट्वाइस नंबर में से तो आंसर 15 आएगा। तो ऐसा कर सकते हैं ना हम, आई मीन्स हम कर रहे थे, आई को सब्सट्रैक्ट नहीं करना था, क्या करना है देखो, तो वेन ट्वाइस नंबर में से 11 को सब्सट्रैक्ट करो तो 15, बस इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू ला दो,
अभी देखो ई एफ और जी सेम जैसे है तो इसमें से एक करवा देता हूँ लास्ट वाला। अनवर थिंक्स अ नंबर मीन्स अनवर ने एक नंबर थिंक किया या तो सोचा। इफ ही टेक्स अवे सेवन, टेक्स अवे मीन्स सब्सट्रैक्ट करना, याद रखना। एड करना मीन्स प्लस करना, टेक्स अवे मीन्स सब्सट्रैक्ट करना। इफ ही टेक्स अवे सेवन, टेक्स अवे सेवन तो सेवन को टेक्स अवे कर दो, माइनस सेवन। किसमें से? If we takes away 7 from 5 by 2 of the number, तो 5 by 2 of the number, तो number एक पहले हम note कर देते number, उस वो number के 5 by 2 में से, तो 5 by 2 of number में से 7 को subtract करोगे, तो answer आएगा, क्या क्या लिखा है answer? If takes away 7 from the 5 by 2 number, तो answer आ जाएगा 23, तो answer 23 लिखो यहाँ पे, तो 23 answer आ जाएगा। अब क्या करोगे, पहले 7 को रिमूव करेंगे, तो क्या करो दोनों साइड पे 7 ऐड कर दो, क्या करो दोनों साइड 7 ऐड करो, तो यहाँ पे भी ऐड किया तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 30, ये 7 7 कैंसिल, तो क्या आया 5 बाय 2 ऑफ x इज इक्वल टू 30। अब ये 2 कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में, तो पहले इसको 2 से क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 5x 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 60, ये 2 2 कैंसिल, तो 5x इज इक्वल टू 60। अगेन यह 5 मल्टीप्लाई में है, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड, तो ये 5 5 कैंसिल, तो x का आंसर आ जाएगा 12, x का आंसर क्या आ जाएगा 12, तो ये आपके, तो x का आंसर आ जाएगा 12, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में ए टू जी। आप सोचो कि जो फर्स्ट से फोर्थ है ना, वो नॉर्मल ऐड और सब्सट्रैक्ट वाले थे। फर्स्ट से फोर्थ तक जो है मीन ए से डी तक है, वो नॉर्मल ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये जो आता है ना कि व्हेन दिस इज थिंक नंबर, ये आप आराम से सोचना, ऐड बोले तो प्लस कर देना, और टेक्स अवे मीन्स दूर ले जाना मीन्स माइनस करना। ओके, ए टू जी खत्म हो गए आपके यहाँ पे।